Yet, there are some like me turn gladly home from the lush jungle of modern thought. फिर भी इतना बुरा होने के बावजूद भी कुछ लोग हैं मुझ जैसे like me who turn gladly home, जो शाम को घर वापस आते हैं, इसे अपना समझते हैं from the lush jungles of the modern thought. इसमें एक शेर उर्दू का याद आ रहा है मुझे कि लरजता हूँ घर की वहशत से मगर न जाने क्यों शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है. Now this is the sort of things we know that it's a place जो बहुत खूबसूरत नहीं बहुत अच्छी नहीं लेकिन चूंकि घर है तो शाम को तो घर वापस आना है. To find the Arabian desert of the human mind, और जब यहाँ वापस आते हो तो यहाँ वही वहशत है. Arabian desert of the human mind, वो लोग यहाँ पे रहते हैं जिनके दिमाग में कोई इनोवेशन नहीं कोई क्रिएटिविटी नहीं कोई इंटेलिजेंस नहीं लगता ही नहीं कि ह्यूमन स्पीशीज हैं जिनमें वो एनर्जी ही नहीं लाइन की जो कि होनी चाहिए थी. ये एक डेसोलेट प्लेस है लेकिन रह रहे हैं जी रहे हैं. वी हैव टू इनहैबिट दिस स्टेट वी हैव टू लिव हियर होपिंग इफ स्टिल फ्रॉम द डेजर्ट्स द प्रॉफिट्स कम. और क्यों वापस आते हैं एक उम्मीद पे वापस आते हैं कि शायद वो जो अरेबियन डेजर्ट से एक प्रॉफिट्स निकले थे शायद यहां भी कोई निकले. प्रॉफिट्स मतलब यहां पे अच्छे लोग भी निकले जो इस खूबसूरत जो खुदा की बनाई हुई जमीन थी उसको और खूबसूरत बना दें. क्योंकि अभी जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो इस लैंडस्केप को भी बुरा बना रहे हैं वो उन दरियाओं को भी बुरा बना रहे हैं उन दरख्तों को भी बुरा बना रहे हैं उन फिजाओं को भी बुरा बना रहे हैं. लेकिन हमें एक उम्मीद है कि कभी यहाँ पे एक ऐसी नस्ल आएगी एक ऐसे लोग आएंगे जो इस ऑस्ट्रेलिया जैसी खूबसूरत ज़मीन जो कभी थी उसको और जो है वो खूबसूरत बनाएंगे और ब्यूटीफाई करेंगे और अच्छा बनाएंगे. सच सैवेज एंड स्कारलेट एज नो ग्रीन हिल्स डियर सिप्रिंग्स इन दैट वेस्ट सम सिप्रिट विच एस्केप्स द लर्न डाउट द चैटर ऑफ कल्चर्ड एप्स विच इज कॉल्ड सिविलाइजेशन ओवर देयर. सच सैवेज एंड स्कारलेट एज नो ग्रीन हिल्स डियर स्प्रिंग्स इन दैट वेस्ट. ये इतनी बुरी जगह है कि यहाँ आपको चश्मे भी नहीं मिलेंगे. ग्रीन हिल्स हैं खूबसूरत पहाड़ियां हैं बट नो स्प्रिंग्स. उसमें वो स्प्रिंग ना दिस स्प्रिंग कुड बी अ पन ऑन दिस वर्ड स्प्रिंग कुड बी अ सिंबल ऑफ लाइफ. जैसे खूबसूरती तो है ग्रीनरी तो है. यूजुअली जब स्प्रिंग आता है तो वी एसोसिएटेड विद लाइफ एंड ऑटम वी एसोसिएट विद विंटर. ही सेड दैट इट इज नॉट दैट स्प्रिंग इज मिसिंग बट इवन दिस स्प्रिंग कम्स एज वेस्ट. ये स्प्रिंग भी जो है खूबसूरत नहीं बनाता वो भी तबाही ही लाता है. सम सिप्रिट्स विच एस्केप्स द लर्न डाउट. और ये वो लोग हैं जो एस्केप करते हैं लर्न डाउट. लर्न डाउट मतलब मानी कि फिर भी जो है यहाँ पे सब कुछ होने के बावजूद भी वो एक फर्टाइल माइंड नहीं आता वो एक डेवलप्ड माइंड नहीं आता वो एक एडवांस्ड ह्यूमन स्पीशीज नहीं आती. द चैटर ऑफ कल्चर्ड एप्स विच इज कॉल्ड सिविलाइजेशन ओवर देयर. तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है चैटर ऑफ कल्चर्ड एप्स. बातें शोर गुल जिंदगी तमाशा सब चल रहा है बट इट्स चैटर्ड एप्स. ये लोग अभी एप से आगे नहीं बढ़े लेकिन हम उसको कहते हैं तहजीब वहां पे. लेकिन ये लोग तहजीब याफ्ता नहीं है ये अभी वो फर्स्ट ग्रेड सिटीजन ही हैं जिनको किसी अगर डार्विन की थियोरी अप्लाई करें तो एप्स होते हैं. सो दैट वॉज द पोएम Australia. What we understand from this poem that this is a satire on Australian people. But remember that this is not a satire on the native Australian people whom we call Aborigines. It's not a satire on that. But it's a satire on the second grade Europeans who have populated Australia when they were either exiled from their home state or they were sentenced to go to Australia and then they came to Australia and settled in Australia. Now once they settled, it is their people who have killed, marred the Cypriot of Australia. And it is because of them that A.D. Hope is not liking the whole Australia of the present time that is in front of him. But still he has a hope कि कोई दिन आएगा कि यहाँ पे भी उस तरह से प्रॉफिट्स आएंगे जिस तरह से कि अरेबियन डेजर्ट से किसी ज़माने में आए थे. और वो जो लोग होंगे दे वुड बी अ मैन थिंकिंग. वो लोग होंगे जिनके पास एबिलिटी होगी सोचने की जो इस ऑस्ट्रेलिया को फिर उसी तरह आबाद करें जिस तरह के वो पहले करते थे. आज जो आप इसको यंग लैंड कहते हैं ये यंग लैंड नहीं है. ये यंग लैंड किन के लिए है ये उन लोगों के लिए जो पहली बार आए हैं. और वो कौन है वो सेकेंड ग्रेड यूरोपियंस है वो क्रिमिनल्स हैं जो यूरोप से ट्रांसपोर्ट किए जाते थे वहां और उन्होंने इसको इनहैबिट किया. वो ये कहते दे आर लाइंग
They are lying. And this whole place, Australia, has been made a desolate place. So that was the poem, Australia, with which we dealt today.